I've got this feeling गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। एंड हमेशा शूट डायरी के हिसाब से जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वही शुरू हो चुकी है कि रूम में खलारा है, भयंकर तूफान। और एक अटैची में से सामान निकाल के ना मैंने सारा इधर उधर लगा दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा रश सा हो जाएगा रूम में। और मेकअप खुशी का शुरू हो गया था 6:55 ऑलमोस्ट। फ्री हो चुकी है खुशी, रेडी हो चुकी है। मैं जल्दी से फ्रेशन अप होकर मैं भी रेडी हो जाता हूँ, कोर्स हमारा शूट स्टार्ट हो जाना ऑलमोस्ट और आधे घंटे के आसपास। अंजो भाई क्या हाल चाल? गुड ब्रो, गुड। कैसा रहा रात? रात अमेजिंग। सोई नहीं आप? रात हाल भी बढ़िया था और चाल भी। रात सोई नहीं आप लोग? नहीं सोए थे। लग नहीं रहा। तो ये है बिहाइंड द सीन ऑफ मैं इश्क कर लिया, और क्या क्या शूट पे हुआ, क्या क्या मस्ती करी हमने, किस किस का बीपी हाई हुआ, किस किस का बीपी लो हुआ। अभी मेरा हाई है, इसका लो है। अभी इनका हाई है, अभी उसको बोल दो कि ड्राइवर का बीपी हाई है। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक गाना नहीं देखा जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ा हुआ है लिंक, जाके इंजॉय करो पहले गाने को, उसके बाद बिहाइंड द सीन को। अगर पहले बिहाइंड द सीन देखोगे ना भाई तो कोई मजा नहीं आने वाला। क्यों तुल भाई? बिल्कुल। सो हम लोग शूट लोकेशन में पहुंच चुके हैं, क्या होने वाला है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस मुझे फर्स्ट सीक्वेंस को पता है कि फर्स्ट सीक्वेंस में क्या होने वाला है। और लेट्स सी, देखते हैं। शिकाल भाजी की हाल चाल है? ऑल सेट भाई, ऑल सेट है, वेटिंग फॉर यू। अरे भाई बस जैसे ही पाजी देर से रेडी थे भाई, और लेट जैसे अपडेट आएगा बता देना, और बस एकदम शुरू करते हैं। 2 मिनट में बुलाते हैं आपको, डन। तो आज हमारे साथ है आदित्य भाई, और मैं बताऊं आप लोगों को भाई कि ना हम लोगों ने पहले शूट किया हुआ। आदित्य भाई आपको एक खास बात पता है? हां जी। वो जो आपने हमारी वीडियो की थी वो हमारी फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो थी। हां मुझे याद है। तो जो कंगना जो हमारा गाना था ना भाई ने किया था, और मतलब मैं एकदम मिला पाजी से, मैं क्या पाजी यार हम मिले हैं, पाजी कहते भाई बताओ चलो कहाँ मिले हैं, पाजी ने रिमाइंड कराया कि हम लोगों ने कंगना किया था साथ में। और मतलब कितनी बड़ी बात है, कितने साल हो गया? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। नहीं बाबू, 3 साल। ओके, ऑलमोस्ट 3 साल हो गया और कंगना को। वाह। तो अभी हमारा पहले शॉट के लिए हम लोग निकल गए, और जस्ट अभी हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी तो मुझे भी एकदम से स्टोरी सुनकर गूज़बम्स आए। मैं क्या वाह, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। आपको ऐसा फील लेने का मौका मिला जो आप रियल लाइफ में कभी नहीं लोगे। तो पहले यहाँ पे मुझे बोला गया कि आपको स्मोक करनी पड़ेगी, मैं कहा ब्रो आई कांट डू। उसके लिए हम इलेक्ट्रिक हुक्का मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं फ्लेवर हुक्कास, मतलब जिसके अंदर सिर्फ स्मोक होता है, मतलब निकोटिन फ्री रहता है बेसिकली, वो 0% निकोटिन होता है उसमें। तो अगर हमको उस वीडियो को आगे प्रोसेस करना था उसके लिए स्मोक चाहिए था, तो वैसे ही पॉसिबल था। तो सबसे पहले हमारे सामने टास्क आया कोज आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। तो दैट्स वाई मतलब ऐसा था कि मैं ना तो मैं दारू पीता हूँ ना मैं स्मोक करता हूँ, तो मेरे लिए इस तरह की वीडियो करना एक बहुत बड़ा टास्क है उन्होंने, लेकिन आज मज़ा आने वाला है सच में। तो यहाँ पर हमारा अंदर फर्स्ट शॉट, अच्छा ये वाइब देती है एयरपोर्ट वाली ना, इसलिए तो यहाँ से पीछे शायद शॉट होगा लाइक दिस। ये वाह, आपके लिए इलेक्ट्रिक हुक्का ले लेंगे। मैं कहा भैया पहले पूरा उसको वो कर करके देख रहे, चेक करके देख रहे हैं। क्या हुआ ना? मैं बोल रही थी घरेलू लुक देना, तो चोटी कर लेते हैं क्योंकि फिर बार बार ना अलग लुक आएगा, अदरवाइज सारे खुले वाले। तो अभी इंडिया से आई है लड़की, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था ऑफिशियल वीडियो में कि अभी जस्ट इंडिया से आई है, तो इंडियन फील देने के लिए सोच रही है चोटी कर लेती है तो वो और अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग गए थे चाय पीने के लिए, और दी क्या कह रहे हो आप अभी? तो दी ने मेकअप किया है खुशी का आज, और दी बोल रही है कि भाई बाहर इतनी गर्मी है कि आज आपका बन जाएगा बाबी। मुझे कूल लग रहा है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। अरे बाबू मुझे तो अजीब सी ह्यूमिडिटी हो गई थी बाहर जाकर, मेरा मन कर रहा है मेरा ही शूट करवा दो। मैं खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैंने अपने माइंड में एक चीज सोच लिया कि आज का और कल का औखा है, उसके बाद 10 दिन तो मैं मजे लेने वाली है। अंजल भाई क्या आप? अरे यार आप रुको मत, सो आज रुको, कल सो रुके नहीं जाएगा। अगर कुछ हो गया ना तो आप जिम्मेदार नहीं, फिर रहने दो। इतना ख्याल तक कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, मैं घर जाएगा। यू आर गुड मैन ब्रो, थैंक यू। चॉकलेट लेके जाएगा क्या? चॉकलेट सब कुछ लेके जाएगा, शॉपिंग करवाएगा। ये पैसा लेके जाएगा, जो बोलेगा मेरे इधर लेके जाएगा। ऊद ऊद ये गोल वाला लेके, ये बिल्कुल अभी कंधे पे रखी के सीधा लेके प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा। लव मैरिज पे आ जाओ। अगर मर्द का बचे तो आ जाओ, दिखाम जज्बे में आ गया। तो अभी हमें ये वाली मशीन को रखना पड़ेगा अंदर, बिकॉज ये अलाउड नहीं है। अगर एक कैमरा एक टाइम पे चलेगा क्योंकि हमारा मेन कैमरा वहाँ पे है, तो हमको उसको रखना पड़ेगा। बिकॉज हमने परमिशन ले रखी है वैसे, लेकिन पंगा हो जाए बाद में, तो उसलिए थोड़ा सेफ खेलते हैं। इसको पाजी पैक कर देते हैं। नहीं, थोड़ा ये तो फील करूँगा ना कि लाइक लड़की आ रही है, मतलब वो ऐसा नहीं ओवर एक्साइटमेंट ना हो। टेंशन नहीं है, अब बैठे हो, चिल कर रहे हो, आ गई वो लुक। वो वाला है कि आ गई, लुक तो है पर वो वाला कि आ गई। क्या चाल मेरे हाँ पकीता ही शूट हूँ। थोड़ा फेस थोड़ा ना, फेस थोड़ा ना भुला जाता बंदे का, थोड़ा चेंज हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, और हो गया सारा बढ़िया सेट हो। I've got this feeling I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up. आपका सबसे टास्किंग पार्ट है ये, बिकॉज मुझे स्मोक की बिल्कुल हैबिट नहीं है वैसे, इस मतलब निकोटिन फ्री। लेकिन फिर भी होता है ना कि जब आपने कोई चीज़ करी नहीं, पहली बार ट्राई करी, तो आपको कैसा फील होता है? इससे न्यूट्रल फीलिंग है, लेकिन भाई जो शूट कर रहे हैं उन्हें पता है कि जब मैंने पहली बार करा ना तो ऐसे हो गया एकदम से, तो मस्त है। लेकिन शॉट बहुत रिफाइंड और बहुत मज़ा आ रहा है मतलब करते हुए। बाकी तो खैर हमारे प्रोड्यूसर साथ हमारे साथ में है साहब, तो उनसे पूछते हैं कैसा जा रहा है शूट। बहुत अच्छा। और कुछ हाँ मेरी लुक ज़्यादा क्या है? रीज़न तो एवरेज है, रीज़न तो हमें तो दिख ही नहीं रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मेरे पैर पे ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या चक्कर से इरिटेट हो गया, तो बॉडी तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। सीक्वेंस कंप्लीट हो चुकी है जो कि आप लोगों ने देखी होगी गाने में भाई। प्लेयर वो वाला तो बदला है सर्दी से गाड़ पूरा। सो वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट सीक्वेंस। गर्मी में फुल स्लीव्स पहन के और वेट कर रही है। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए, जो कि होने वाली बहुत कूल। और आप लोगों को गाना देख के कैसा लगा था आप कमेंट जरूर करते रहिएगा नीचे। एंड मज़ा आ रहा है भाई इस कैफे में। देखो ये ना कैफ़े पूरा एकदम बढ़िया इंटरनेशनल कैफ़े है, पाजी की वजह सिर्फ हो पाया है। भाई ने डेरा डलवा दिया हमारा यही लोग कैफ़े के अंदर, कैसे डेरा डलवाया हुआ है, वाह। क्या मैंने देखो शूट में कितना कोऑपरेट कर रही हूँ, मैंने दी को परेशान नहीं करा, खुद ही बाल बना ले, खुद ही पोनी। बाबू आपकी तो बात है, लेकिन मुझे देखो ना आप, मैं एक बार हेयर स्टाइल बना के आया घर से, पूरा दिन इसी में निकाल दूंगा बिकॉज आई वांट माय रो हेयर। गुरुजी कैसा जा रहा है शूट? बहुत ऑसम, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आपने मेरा चश्मा भी टाइट कर दिया यार। मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे साढ़े नाल। ओ मतलब अभी मैं बात करता हूँ कम्प्लीटली रिव्यू की ना, यहाँ के लोग तो सच में बहुत कोऑपरेटिव है, शूट करके मज़ा भी बहुत आ रहा है। बिकॉज अपन ने एक दो बार पहले इंटरनेशनल शूट किया था, लेकिन दुबई में हम लोग फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं। और दो चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक फील हुई है इंडिया में और यहाँ पे डिफरेंसेस। फर्स्ट वन कि कोई भी आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपके पास परमिशन है, उसके बाद आप चाहे जहाँ पे शूट करो, बस आपके पास परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा कि ना आगे से आगे कोऑपरेटिव लोग हैं, मतलब अगर आप किसी कैफ़े में जाते हो कहते हो यहाँ पे शूट है हमारा, हमारे पास परमिशन है, तो दोबारा भी नहीं पूछेगा क्यों, कहाँ, कब, कैसे, आप ये नहीं यूज़ करोगे, ये नहीं यूज़ करोगे। चिल करो, मतलब चिल वाइब है बिल्कुल। एंड मीट माय फ्रेंड, मीट माय फ्रेंड, ही इज़ माय फ्रेंड। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम। वेयर आर यू फ्रॉम? Uganda. Ukraine? Ugandan. Ugandan? Yeah. And where I'm from? I don't know. Yo, you guess, guess. You have three chance. Indian. First. Pakistani. Second. That's it. I'm Indian. You are win. Yay. Thank you. ये है देखो आप लोग, क्रूज जा रहा है ऐसे क्रूज। तो फिलहाल क्या है ना कि एक गड़बड़ हो गई हमसे, फिर हमने ध्यान दिया कि वो गड़बड़ बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी है, पूरी टीम आके डायरेक्टर को वहीं छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, लास्ट लोकेशन से हम लोग चले, तो हम सब आ गए, हमने कहा चलो भाई शूट जल्दी रेडी करो, शॉट रेडी करो, शॉट रेडी करो। कहते रेडी कौन करेगा शूट? डायरेक्टर का फोन आ रहा है, भाई मुझे तो लेके जाओ। और आज हमारी आज है कल पार्टी है हमारी शाम को, कल पार्टी है। चेहरे पहचान लो, अगर पार्टी न दी तो पकड़ लियो मुंबई में। एक तो ये चेहरा है ये चेहरा ये मतलब बस दबोची लेना। अगर मान लो कोई भी वीके फैमिन चेहरे को देखेगा, भाई को पकड़े कहना भाई पार्टी रहती है करने के लिए। तो पक्का याच पे चले। मैं इनफैक्ट हम गए बुक कर रहे थे दोनों, क्या करेंगे यू आर वेरी क्यूट बाय द वे, यू आर क्यूट, वहाँ पे डांस करेंगे अपन पक्का पक्का। तो आज पूरी टीम साथ में बैठी है क्योंकि ना हम सब लोग ना काफी दिन से आ रखे, आप लोगों को पता ही है, लेकिन पूरी टीम साथ में नहीं बैठ रही थी क्योंकि भाई और ये अलग स्टे कर रहे थे, भाई और ये अलग कर रहे थे, हम लोग अलग कर रहे थे। तो आज मिलना हुआ है शूट पे, काफी फन हम लोग कर रहे हैं शूट पे बहुत। अभी हम लोग आ चुके हैं, देखो ये लेक साइड, शायद लेक साइड आ गए, बहुत ही प्यारी वाइब है। अभी हम चलते हैं ऊपर, हम लोगों को ब्रिज के ऊपर अगला शॉट लेना है और आई एम वेरी एक्साइटेड। And I like your T-shirt, pink color. Oh, very nice. You look very pretend. बस पैसा वसूल हो गया। बस। बहुत सही लग रहे हो। Pink। अच्छी तो है ही प्यारी। Thank you। भाई सच में मतलब ये जो ये छोटी छोटी जगहें हैं ना यहाँ की दुबई की, दीदी और का है सारा गेम भाई। ये दीदी क्योंकि परमानेंट इधर ही 12 साल से, सो ना दीदी आपने ठंडा बहुत करा रखा है इन छोटी छोटी जगहों पे। बाहर अगर पता इनका बस चले ना पूरे दुबई में इसी लगवा दें। प्यारी फीलिंग है भाई। हाथ पकड़ रखा है यार, हाथ पकड़ो ऐसे पकड़ो ना, ऐसे ऐसे भाई देनी है भाई। अब आप भाग जाओ, उनको लुक देनी है आपने, स्माइल भी करनी है वैसा थोड़ा टोटली फॉर्मल। I've got this feeling I'm feeling you could be the one। ये डायरेक्टर जो है ना हमारा, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लाइन प्रोड्यूसर तीनों ही घूम रहे एक दूसरे के साथ, तीनों ढूंढ रहे डायरेक्टर कहाँ गया। कैसा लगा बेटा? करण भाई ने यहाँ पे शूट करा था अपना, करण औजला भाई ने, आप लोग देख सकते हो है ना। अगर सीन है ना तो यहाँ से चलवाओ गाड़ी, जितनी मर्जी चलवानी है चलवाओ यार। ऊपर से कैसे विवेक भाई फिर आप आज गाड़ी चलाने वाले हो? मस्तान या चला के आपको गलती नहीं लगेगी। क्या कह रही है, क्या कह रही है? ध्यान से, यहाँ रेत रूत भी है। अरे कोई ये देखो जरा, ये देखो इसमें ही हुआ। वाओ I've got this feeling I'm feeling you could be। तो लोगों को लगता है इंटरनेशनल शूट बहुत ही मजे में हो जाता है भाई, बहुत मेहनत लगती है हर चीज के लिए। गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में सामान निकाल रही है, गाड़ी में बैठ के चल रहा है मेकअप। और यहाँ पे यहाँ पे जहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं ना भाई, यहाँ आस पास कुछ नहीं है भाई। जितनी भी 2-3 गाड़ियाँ दिख रही हैं हम लोगों की है। हम लोग यहाँ इतनी गर्मी में शूट कर रहे हैं, हालत खराब होगी क्योंकि यहाँ पे ना दोपहर के टाइम बहुत गर्मी रहती है, रात को ठंड रहती है। और एक सीन ऐसा आया था जिसमें विवेक ने मुझे धक्का देना था, मुझे गिरना था, बट मुझे पूरा नहीं गिरना था, गिरने से बचना था। तो विवेक को तो कमांड मिल गई धक्का देने की, बट मैं प्रिपेयर नहीं थी धक्का लेने के लिए, लेकिन जैसे धक्का लगा और मेरा वैसे लगती लगती बच गई। तो अभी जैसा आप लोगों ने एक सीक्वेंस देखी होगी जिसमें कि ब्लड चाहिए था, खुशी को धक्का लगा था एंड ये सब चीज़ें। तो हम लोग जहाँ शूट कर रहे हैं ना भाई, अब थोड़ा जाके टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हुआ है, अदरवाइज़ आप चारों तरफ देख सकते हो भाई, कोई बंदा ना बंदे की जात। ये देखो आप, और ये वो जगह है जहाँ करण औजला का एंड सिद्धू भाई का शूट हुआ है। सामने ही आपको चौराहा दिख रहा होगा, लोग यहाँ पर आते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। ये लगा सकते हैं इसमें नहीं? मैं बताती हूँ, यहाँ से पीछे से निकाल दो और फेस पे यहाँ यूं लगा। लेकिन यार यहाँ अनसेफ बहुत है ना, लेट ना तो लोग पागल हो रहे हैं। यो बॉय यू लव ड्रिफ्ट, यू लव कैमरा, यू लव कैमरा, व्हाई व्हाई you love your girlfriend? I don't have girlfriend. You don't have girlfriend? Why? You have a nice car. I don't have girlfriend. I don't have girlfriend. Ask me. What ask you? I don't have. तो ये है यहाँ पे बिहाइंड द सीन की तैयारी। नहीं दीदी ऐसे नहीं, बढ़िया स्पंज करके वैसे डिप डिप करते जाओ। हाँ पहले रोड पे बिखा ब्लड सारा। हाँ ऐसे 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 दबाओ, बस प्रेस कर दो। नहीं नहीं कॉटन को रख के दीदी, रख के ऐसे दबा दो नीचे को स्किन पे। सोख रही है फिर दोबारा सोख रही है दीदी, रख के छोड़ दो। ए ऐसे दब, प्रेस कर दो, कॉटन प्रेस करो। छोड़ना जल्दी कर लो भैया, बहुत गर्म है नीचे जमीन। उठ जाओ आप, उठो पहले, उठो उठो थोड़ा, उठो उठो जल्दी, आके लगा लो ना पहले। बस रुको बस, ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लगाओ पहले अभी, ऊपर फेस कर लो, फेस ऊपर करो अभी, लगाओ ब्लड, अब लगाओ। देखिए ब्लड सटोरे, आ गर्म लग रही जमीन। बस 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 बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। कान में उधर को रखो, उधर को मुँह, हाँ एक बार इधर कर लो। कॉटन दीदी और भी है, कॉटन 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 लाओ जल्दी दो, वो कान में चला गया ना, उसे साफ कर देता हूँ अच्छी। तो भी करो ना भैया थोड़ा फोर हेड पे भी जो उधर को भी दिखे ना, वरना इस शॉट शॉट में आएगा नहीं। ये एक्शन चल। हालत ना खराब हो गई। बहुत बार लगता है कि शूट वूट करना बाल बहुत इजी होता है, गरम है ना, जल की पूरी पीठ। ये लगभग ऐसा हो रहा है 60-70 डिग्री नीचे वाला, नंगे पैर रखे पता लग जाएगा। तो पहले तभी तो आधा घंटा खड़ा है भाई साहब को। शूट पे ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब मैनेज करना बहुत औखा सौखा होता है। काम करो गाड़ी में बैठ जाओ, फ्लड लग रहा है कभी कोई दिक्कत हो बैठ जाओ गाड़ी में जल्दी। हाँ क्योंकि भाई दुबई में शूट करना बहुत टास्किंग रहता है। और भाई और कम से कम कितने शूट हो गए होंगे लगभग दुबई में अपने? 40-50 ऑफिशियल वीडियो कर ली भाई औरों ने। भाई और का ऐसा है कि भाई अब इनको पता है कि ब्लड और ये चीज़ें, क्योंकि पता क्या है कि जब तक इनको एक्सप्लेन करेंगे ना, जब तक घर के ले जाएंगे लोग, क्योंकि इनको एक्सप्लेन है ना, दुबई प्रमोट ही नहीं करता ना। दुबई में आप आके प्रमोट कर सकते हो कि भाई ये लोग आप लोग बोल रहे हो क्या। देखो मेरा पैर छिला सुबह, मेरी पीठ सारी जल गई है। दिखाऊंगा मैं आपको अपना जाके। ये देखो भाई ने कर दी थी बीटी यहाँ पे खून के ऊपर गलती से, मतलब जो आर्टिफिशियल खून था उसके ऊपर पानी डाल दी और अब यहाँ पे रेत डाल के तो ढक रहे हैं। सबूत मिटा दिए गए हैं दोस्तों। रहेगा स्क्रब करना पड़ेगा कह रहे। तो धो लो ना अभी, तो धो लो, कुछ तो धो लो, कुछ तो निकलेगा। कुछ भी नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा ना। ये पक्का है ना भाई, ऐसा दुबई में मत जाओ, ऐसे लेके मत जाओ दुबई में, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैंने पूरा फेस अच्छे से कवर कर लिया क्योंकि जो हमारे भैया हैं वो बोल रहे हैं कि करना पड़ेगा, वरना कोई गुडविल में ही फोन कर देगा ना कि लड़की को जुर्म हो रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। बस मैंने एक चीज कह रहा हूँ, इन्हें भी बता रहा, भाई साहब को भी मैं भी बता रहा हूँ, जो भी कोई खुशी की तरफ को देख रहा होगा ना, मैं हाथ जोड़ लूँ, मैं कहा भाई गुडविल के लिए फोन मत करियो। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं होटल एंड ये वाला शूट थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें भैया इसमें 2 घुटने छिल चुके हैं, 4 उंगलियां छिल चुकी है, पीठ चल गई, पैर टूट गया, एड़ी फट चुकी है आपकी, घुटना। इसमें 17 लाख रुपए का अलग बिल बन रहा है। और सुनो, और मेरी चप्पल आगे से सड़क पे घिस चुकी है। अच्छा ठीक है जी, ये भी लेके दे रही मेरे को। ये बिल बना 17 लाख रुपए मार, वो ले लेंगे हम खुद। घुटने भी चाहे दूसरे बकरे के लेने पड़े, 2 जोड़ी लेके जाऊंगा ऐसे। तो इस तरीके से फेस ढक के हम लोग शूट के बाद अपने होटल में आए थे और अभी हम चल रहे हैं अपने सीधा रूम में। बिकॉज ना बताऊँ आपको कि दुबई में ना थोड़ा सा चीज़ों को ना रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को क्या पता लगे कि ब्लड है, लड़की को चोट वोट लगी और चुपचाप वो होटल में जा रही है। तो दैट्स वाई हम लोग सोच रहे हैं कि हम चुपचाप निकल लेते हैं, वरना पंगा भी हो सकता है। अभी चलते हैं रूम में और अभी बाकी की सीक्वेंस जो आप लोगों ने देखी थी, जो नाइट वाली सीक्वेंसेज थी, वो अब शूट होनी शुरू होगी। पहली बार ऐसा हुआ है, इतने शूट कर लिए हम लोगों ने भी कि हमें शूट के बीच में ऐसा रेस्ट मिला कि मैं अपना लोअर वोवर में आ गया। मुझे पता है कि लोगों को टाइम लगने वाला है। हम से बता रहा हूँ भाई, ऐसा जिसे बोलते हैं ना कि रफ्तार का दूसरा नाम बाबू भाई है, तो वो वाला सीन हुआ। एकदम से कॉल आया कि सेट पे जल्दी पहुँच जाओ बिकॉज जो क्रू आ रखा था उसका टाइम ओवर होता जा रहा है, तो प्लीज़ डू इट फास्ट। भाई 15 बंदे, अरे भाई क्या 15 बंदे यार, लेट करवा देते हैं लोग। तू लेट करता मैं क्या, कितने तू एकदम पाजी बड़ा लेट कर दे तू यार, खेती आया करो पाजी। वो है दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग, और ये है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा होटल। हाँ, जिसमें नाम है JW Marriott Marquis। वाह, ये लिफ्ट चल रही है ना इसके अंदर जो, वाह बहुत सारी लिफ्ट। अच्छा भाजी एक बार एक चीज और बताओ, और एक ना वहाँ पे वो रेड और वो है कुछ, मतलब ये कुछ होटल है, वो भी एक होटल है। अच्छा वो होटल से वहाँ पे होटल है। अच्छा, आपको यहाँ से गोल्डन होटल नजर आ रहा है। हाँ दिख रहा है वो, उसका इसका नाम है गवेरा। ओके, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा होटल है। इसके बाद दुनिया में वो है, और उसके बिल्कुल साथ आपको पेंसिल की तरह का होटल दिख रहा है। वो पेंसिल वाला जो होटल है वो तीसरा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है। तो तीनों 1, 2, 3 तो सारे जो होटल है ना दुनिया के सबसे ऊंचे, वो फिलहाल इसी फ्रेम के अंदर है ना। इसी फ्रेम में तीनों दिख रहे हैं। 1 and 2, हाँ गोल्डन वाला 2 and 3rd इस बिल्कुल साथ है, वो भी उसमें अंधेरा है, पेंसिल के जैसा दिखता है। वाह। तो जब हम लोग शूट कर रहे थे ना तब मुझे पता लगा कि जो हमारे पीछे आप लोग होटल देख रहे हो ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल है, मतलब सबसे जिसके अंदर सबसे ज्यादा लाइक मतलब फ्लोर्स हैं। तो अभी बजे हुए हैं ऑलमोस्ट 2:30 के, और अब हम आ गए हैं कहीं सोसाइटी में शूट करने के लिए, कोज हमारा लास्ट सीक्वेंस पेंडिंग रहता है। और यहाँ पे ना सच में यू कैन चेक द वाइब, और मतलब वाह। सो बाकी की जो सीक्वेंस होने वाली है हमारी होने वाली है यहाँ पे और भाई औरों के फ्लैट पे, क्योंकि भाई और जो हमारे डायरेक्टर एंड डीओपी भाई और है वो यहीं पे रुके हुए थे। मैं आप लोगों को फ्लैट की वाइब दिखा देता हूँ। हबी भी कम टू दुबई, सारी की सारी वाइब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये बालकनी से व्यू है और टच वुड यार, इट्स अ व्यू। मतलब इसके जस्ट बगल में बुर्ज है, ये ईमार की बिल्डिंग है जो आप लोग देख सकते हो, इसके जस्ट बगल में बुर्ज है और यू कैन चेक द व्यू। और ये सच में भाई ये लवली व्यू है, लवली 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 व्यू। जिन्होंने चाय बनानी उनकी वेट करते करते सर में इतना दर्द हो गया, नहीं बन सकते। तो यहाँ पे इस वक्त सिर्फ मैं ही हूँ लड़की, मतलब एक आंटी भी है, हमारी आंटी बाहर बैठी। लेकिन आंटी सुनिए, हम कराएंगे अपने होते हुए। अब भैया क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं ढूंढ रहा हूँ, ये बढ़िया चाय दे दो। दुबई शूट करने के लिए आए थे, चाय बनाने के लिए आए थे। भाई साहब इतना, इधर आओ पाजी, इधर आओ, इधर आओ। इतना टैलेंटेड आदमी आपने अपने जीवन में नहीं, पंजाब का ही हो सकता है इतना टैलेंटेड आदमी। बताओ कैसे हो सकता है, आ जाओ तो कैसे हो सकता है। इसे अदरक कूटने के लिए कुछ नहीं मिला, अदरक घिस के डाल दिया चाय में। भाई साहब हलवा बना देगी अदरक का, हलवा गाजर का। हम जो पंजाबी होते हैं ना, हम बहुत अलग आदमी होते हैं। दी अंजना दी कैसी लगी चाय? चाय हमारी खुशी ने बनाई है और चाय हमारे दीदी को भी चाय पिला दो यार, बहुत बढ़िया। चीयर्स गाइस, चीयर्स गाइस, चीयर्स, चीयर्स ब्रो। शूट के बीच में ये जो चीजें होती हैं चाय के लिए, चीयर्स ब्रो, चीयर्स। अच्छा एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई साहब, दुबई बैठ के अपने हाथ की चाय का मजा ही कुछ और है। हाँ आप ब्लॉग ले रहे हो ना, तो मुझे स्पेशल बात आज बोलनी है कि यूट्यूबर्स क्या होते हैं लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए होती है ना क्यूरियोसिटी की क्या होते हैं। तो आज मैंने अपनी लाइफ में जो दिमाग में क्वेश्चंस थे कि यूट्यूबर्स कैसे होते हैं। पूरा दिन आप लोगों के साथ रही ना, तो मेरा एक फाइनल ये आ रहा है कि उनके अंदर एक्स्ट्रा जान होती है, ज्यादा जान होती है। वो चीजों को बहुत ज्यादा करीब से देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं। दोनों में से जो बहुत ज्यादा, ये बहुत समझदार है, इनके अंदर बहुत एनर्जी। मैं ना अपने बहुत शरारतें करती हूँ, मतलब मेरे को ना सारा दिन बस ऐसे डांट पड़ती रहती है, घर वाले बचाते रहते हैं, मैं कुछ ना कुछ ऐसे पंगे करती हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है समझाते हैं। मतलब बहुत जान होती है यूट्यूबर्स में, ये बात आज मुझे ना बहुत एहसास हुआ, बहुत एहसास। देखो मतलब एक होती है और रियलिटी वाली जान होती है, डुप्लीकेट वाली नहीं। हाँ मेरी बहन बताएगी, बता बहन। कॉन्ट्रोवर्शियल आर्मीनिया का भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, मैं तुम लोगों को खिलाऊंगी। मैं लेट आई हूँ बट मेरे पास तो प्यारी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का जल्दी ला दे तू। ये खजूर लग रहा है मुझे तो, लेकिन खजूर नहीं है यार। ये देखने में तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा। ओह माय गॉड, आप खा के बताओ, मैंने खाओ। मेरी चाय में मीठा कट तो जरा, मीठा नहीं है ये, कैसा है बताओ। कौन मेरे हिस्से का भी टेस्ट नहीं, टेस्ट अच्छा तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत मीठा मीठा कुछ नहीं है, बिल्कुल मीठा नहीं है बेटा, कसम नहीं, बहुत भगवान का मीठा नहीं है, मीठा नहीं है, मीठा है ही नहीं। मैंने भी सोचा था खजूर की तरह मीठा मीठा होगा यार। मेरी बहन इतनी अच्छी है, कहती है इसने किसी को नहीं दिया है और हमें दिया है ना। नहीं ये अर्मेनिया की है, अर्मेनिया की है। इतने देसी हो तुम भाई, आप पे तो जीना पड़ा। टचवुड लेकिन बहुत अच्छी है। बोले सोनिया ससरिया काले फाइनली रोनू, फाइनली हम लोगों ने शूट शुरू किया था 8 AM 8 बजे से, मतलब एक्टिव है अपन, वैसे तो 7 बजे से एक्टिव है। 7 बजे खुशी का 6:50 हाँ 6:48 पे खुशी का मेकअप स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट। अभी बज चुके हैं 4 सुबह के, ऑलमोस्ट कहूँगा मैं इसको। 22 घंटे का शूट, एक्स्ट्रा 4 सर पाजी कौन देगा एक्स्ट्रा? डायरेक्टर साहब पाजी, वो एक्स्ट्रा जो पाजी जो आर्टिस्ट का एक्स्ट्रा है वो कौन करेगा पे? जैसे डीओपी का डायरेक्टर देगा। I've got this feeling, I'm feeling you could be the one, I see no